हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और साइंटिस्ट्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा कहानी की तरह दो चार मिनट देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा हमें इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, क्या है रेडियो एक्टिविटी? एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम लोग बिल्कुल रेडियो एक्टिविटी के बारे में बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जिनको भी डाउट्स वगैरह पूछना हो वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो परम गुरु एप्लीकेशन है उसमें डाउट जा करके जरूर इस पर डाउट पर क्लिक करके अपने डाउट को क्लियर कर ले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी इसका डिस्कवरी के बारे में बात करें तो हेनरी बेकरल 1896 में, ठीक है, अभी 2022 चल रहा है तो 100 साल से ज्यादा हो गया, ठीक है, फिर भी बहुत समय नहीं हुआ है। हेनरी बेकरल जो साइंटिस्ट थे वो फ्रांस के थे, वो क्या कर रहे थे उस समय, कैसे ये एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी जो है वो बहुत एक्सीडेंटल था। एक्सीडेंटल मतलब अचानक से हो गया, बिना लैब में कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। क्या हो गया था उसके हिस्ट्री के बैकग्राउंड को समझिए। 1895 में एक्सरे का आविष्कार हो गया था, समझे, वो क्या कर रहे थे उस समय, ही वॉज लुकिंग फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरसेंट एंड फॉस्फोरसेंट मटेरियल। ठीक है, उनको लगा ना कि ये जो मटेरियल्स हैं ये भी एक्सरे की तरह बिहेव करते होंगे, जो कि ऑलरेडी 1895 में डिस्कवर हो गया था। किसके द्वारा? रोंजन के द्वारा, इन्होंने ऑलरेडी डिस्कवर कर दिया था। तो वो इसी चीज को वेरीफाई करना चाहते थे लैब में, किस चीज को लेकर के, फॉस्फोरेसेंट एंड फ्लोरोसेंट मटेरियल ये क्या चीज होते हैं। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है? फ्लोरोसेंट मटेरियल है, इनको अगर लाइट में छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर कुछ समय के लिए, मान लीजिए 2-4-10 घंटे के लिए लाइट में रख दिए, सनलाइट वगैरह इस पर पड़ा, और उसके बाद इसको वापस अंधेरे में रखिएगा तो ये क्या करता है ना, लाइट एमिट करता है, इसी को ना हम लोग रेडिएट कहते हैं। ठीक है, वो एमिट करते रहता है। तो फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है और फिर फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता है, दोनों एक ही चीज है, दोनों लाइट को पहले एब्जॉर्ब करके एमिट करता है। ये बहुत जल्दी इमीडिएटली एमिट करता है और ये धीरे धीरे स्लोली एमिट करता है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। ठीक है, तो ये डिस्कवर हो चुका था और फोटोग्राफिक प्लेट का डिस्कवरी भी उस समय हो चुका था। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या इंप्रेशन डालता है एक्सरे, ये तो पता चल गया था सबको कि एक्सरे जो है बहुत सारे चीजों को पेनिट्रेट कर देता है लेकिन हड्डी जैसे चीजों को पेनिट्रेट नहीं करता है। तो वो उसका इमेज फोटोग्राफिक प्लेट पे बनाता है जब उसको डेवलप किया जाता है, ये चीज हमें पता था उस समय, इनको भी पता था, हेनरी बेकरल को। तो वो क्या कर रहे थे, फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल के ऊपर में एक्सरे जैसा बिहेवियर है ये जानने की कोशिश कर रहे थे। और इसके लिए क्या करेगा, कोई भी आदमी अगर जानने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, फोटोग्राफिक प्लेट ले लिए थे, बट एक्सीडेंटली वो यूरेनियम का खोज किया। उन्होंने किया क्या था ये समझिए, क्या किया था उन्होंने, हेनरी बेकरल, एक ये प्लेट ले लिए, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए कि ये ब्लैक पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, थिक पेपर हो सकता है कुछ, और ये जो है फोटोग्राफिक प्लेट है, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट है। तो ये इसके ऊपर में क्या करते थे, फ्लोरोसेंट मटेरियल डालते थे, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल इस पर डाल दिए, ये जो है ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है, ठीक है, इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर में ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है। अब ये फ्लोरोसेंट मटेरियल डाल करके यहां पे क्या चेक कर रहे हैं, पहले इसको लाइट में रख देते थे और लाइट के बाद इस डार्क मतलब काले रंग का पेपर के ऊपर में डालते थे जिसके नीचे फ्लोरोसेंट मटेरियल था। अब इसको मान सकते हैं कि ऐसे रैप कर दिया, इसके ऊपर में ये है, और कोशिश करते थे कि इसका इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट पर आया कि नहीं आया। तो वो जानने के लिए 2-4 घंटे रख करके और उसके बाद इसके अंदर में झांक देखते थे कि कहीं इसका इफेक्ट इसके अंदर में आया नहीं ना एक्सरे की तरह। तो यहां तो कुछ मिलता नहीं था उन्हें, इसको छेद नहीं पाता था, ये फॉस्फोरेसेंट फ्लोरोसेंट मटेरियल जो है वो इस पेपर को छेद करके फोटोग्राफिक प्लेट को पर इंप्रेशन नहीं आता था। तो फोटोग्राफिक प्लेट को जब डेवलप किया जाता था तो नहीं आता था। एक बार फिर इनके दिमाग में आया क्यों नहीं इस फ्लोरोसेंट मटेरियल को काफी समय के लिए, मतलब कि 2-4-10 दिन के लिए सनलाइट में छोड़ दिया जाए और फिर देखा जाए कि इसके ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर में इंप्रेशन आता है कि नहीं आता है। और ये सोच करके उन्होंने एक सैंपल तैयार किया, कुछ कुछ यहाँ पर ले लिए, फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट मटेरियल ले लिए और उसको रखे। लेकिन उस समय क्या मौसम हो गया था, खराब मौसम, खराब मतलब बारिश का मौसम था, सनलाइट आ नहीं रहा था बहुत अच्छे से। तो वो क्या किए कि बारिश की वजह से ये क्या किए, इनको ले जा करके इससे इनको कहीं रख दिए, कहीं अलमारी में जाकर के रख दिए, सोचे कि अब मौसम सही होगा तो फिर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है,
6-7 दिन के बाद क्या क्या देखते हैं कि जो भी चीज वो रखे थे फोटोग्राफिक प्लेट में रैप करके, यूं समझिए कि इसको ऐसे रैप करके रख दिया गया था। और उस समय क्या किए थे कि उस समय केवल फॉस्फोरेट मटेरियल ही नहीं था बल्कि एक दूसरा सॉल्ट भी था, ठीक है, ये उसमें उसके साथ ही रखा हुआ था, ये बगल में कहीं रखा हुआ था, मान लीजिए इसी के बगल में रखा हुआ था। तो क्या देखते हैं वो कि ये जो है ये इस अचानक से एक्सीडेंटली, क्योंकि ये तो मकसद था नहीं इस सॉल्ट, ये तो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन ये इसकी वजह से ये बगल में रखा था इसी के ऊपर, तो ये जब हटाते हैं तो देखते हैं कि इसके पास में जो फोटोग्राफिक प्लेट को जो प्लेट पर अब बहुत सारा क्या आ गया है, बहुत सारा स्पॉट्स दिखाई दे रहा है। तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, वो एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे और मटेरियल किसी और की वजह से फोटोग्राफिक प्लेट पर। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरेसेंट मटेरियल जो था वो लाइट में रखने के बाद रेडिएट करता है, और ये अंधेरे में ही रखे रखे देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर दिया। और तब यहां से आविष्कार हो गया यूरेनियम का कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि ये यूरेनियम सॉल्ट था और यूरेनियम जो क्या करता है वो अल्फा पार्टिकल रेडिएट करता है। तो अल्फा पार्टिकल की वजह से ये क्या हुआ था, ये पेपर को छेदते हुए क्या किया था, जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर में यहां पर इंप्रेशंस दिखाई देने लगा था, स्पॉट्स आ गया था। और ये किस लिए हुआ था, अब यहां क्योंकि ये फ्लोरेसेंट फास्फोरस मटेरियल के नेचर से बिल्कुल हटके था ये, क्योंकि इसको लाइट में नहीं रखा गया था, डार्क में ही ये अपना रेडिएशन शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये प्योरली एक्सीडेंटल था, ठीक है। तो हम लोग रेडियो एक्टिविटी में अगर बात करते हैं तो, और दूसरा जो नाम आता है वो आता है मैरी क्यूरी का, तो वो क्या थे, वो असिस्टेंट थे बेकरल के, ठीक है, सी वॉज असिस्टेंट ऑफ बेकरल, साथ में काम करती थी। और फिर क्या हुआ, वो अपने हस्बैंड पेरे क्यूरी के साथ 1902 के आसपास 1896 में वो यूरेनियम के बारे में बेकरल को पता चला, उसके बाद ये तीनों मिलकर के रेडियो एक्टिविटी के बारे में बहुत सारा रिसर्च करने लगे कि ऐसे कौन से और मटेरियल्स हो सकते हैं जो इस टाइप का नेचर शो करते हैं जो यूरेनियम सॉल्ट कर रहा था। तो ये डिस्कवरी करते करते 1902 में ये लोग खूब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कौन, ये तीनों मिलकर के, पेरे क्यूरी ये है आपके दोनों, मैरी एंड पियरे क्यूरी, हस्बैंड एंड वाइफ, ये दोनों रेडियो एक्टिविटी के ऊपर में अलोंग विद बेकरल जो इनके गुरु थे। और 1903 में इसी की वजह से मैरी क्यूरी जो है, पेरे क्यूरी एंड बेकरल टुगेदर नोबेल प्राइज पाते हैं 1903 में फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, उसमें रेडियम क्लोराइड का आविष्कार मैरी क्यूरी ने किया था, रेडियम क्लोराइड जो कि यूरेनियम से भी बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी का इस तरह से आविष्कार सामने आ गया, और ये बिल्कुल उस पर रिसर्च के बाद ये पता चला और बताया गया कि ये एक न्यूक्लियर फेनोमेनॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर में हो रहा है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का कन्वर्जन हो रहा है, न्यूक्लियस से कुछ निकल के बाहर आ रहा है, ये चीज उन लोगों ने बताया था, जिसकी वजह से उन्हें ये रेडियो एक्टिविटी एक नया चीज के रूप में उभर के आया था, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। 1911 में मैरी क्यूरी को केमिस्ट्री में भी नोबेल प्राइज मिला था, जो कि पोलोनियम के खोज के लिए मिला था, क्लियर है। तो रेडियो एक्टिविटी की अगर हम और बात करते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है इस कर्व के बारे में, तो देखिए पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए बहुत अच्छे से, हम लोग सीखे कि ये कर्व क्या है, ठीक है, आपको याद होगा ये न्यूट्रॉन है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में प्रोटॉन है, ठीक है, ये हम लोग देखे थे। और इसके बारे में हम लोग क्या किए, बहुत सारा डिस्कशन किए कि ये जो रेड वाला लाइन जो है स्टेबिलिटी है, जो पार्टिकल्स इस रेड लाइन में है वो स्टेबल पार्टिकल्स हैं, इसके लेफ्ट साइड में जो स्काई ब्लू में दिखाया गया है ये अनस्टेबल है, और राइट साइड में जो येलो इसमें दिखाया गया वो भी अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, और ये तो अनस्टेबल है ही, यहाँ रेड है ही नहीं, ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस टू अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑन अदर साइड ऑफ दिस स्टेबल जोन, जो स्टेबल जोन है रेड में उसके दोनों साइड में जो अनस्टेबल जोन में कुछ पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मतलब कुछ न्यूक्लियाई हैं, वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों है और इनका क्या होता है, ठीक है, व्हाई आर दे अनस्टेबल, तो क्यों ये अनस्टेबल है, ये सारा डिस्कशन हम लोग इंट्रोडक्शन में किए हैं कि ये अनस्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि क्या होता है कि इफ एन बाई पी रेशियो इज मोर देन रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी, तो न्यूट्रॉन जो है एन वो प्रोटॉन में चेंज होना चाहता है, और अगर एन बाई पी रेशियो कम है जितना स्टेबिलिटी के लिए चाहिए तो वो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में चेंज होता है, किसी भी तरह से एन बाई पी रेशियो को उतना लाना चाहता है जितना कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फिगरेशन न्यूक्लियस का दे, इसकी वजह से क्या होता है कि ये वाला जितना भी है इधर वो अनस्टेबल है। तो क्या होगा, अगर इस वाले जोन को देखिएगा तो इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है,
तो वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन ज्यादा है तो वो यही कोशिश करेगा कि किसी तरह से यहां से न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट होकर के नीचे उतर जाए और स्टेबल जोन में चला जाए, यही होगा। और नीचे वाला किसी को देखिएगा कि इस बार राइट वाले साइड को, तो वो चाहेगा कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन करके इधर कहीं चला है, यही होता है। तो ये रिएक्शन होता है अनस्टेबिलिटी के साथ, जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो यही करते हैं, या तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में चेंज होते हैं, या प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में चेंज होते हैं, ठीक है, या हेवियर न्यूक्लियाई से छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटते हैं, सो दैट कि ज्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन हो, मतलब एनर्जी रिलीज करके स्टेबल कन्फिग्रेशन न्यूक्लियस का अटेन करना चाहते हैं, यही रेडियो एक्टिविटी का मेन रीजन है, ठीक है। तो और ये चीजें हम बात कर लेते हैं। फिर आता है कि स्टेबिलिटी के बारे में हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था, ये जिसके बारे में हम क्या बोले थे कि ठीक है ये इक्वेशन हमें रटना नहीं है, बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन समझना है, क्योंकि स्टेबिलिटी के बारे में जब चीजें थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जिसकी बात हम पिछले क्लास में किए, वो क्या था, क्योंकि ये न्यूक्लियर फोर्स वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी और कोलंबिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है, और इन सबको मिला करके जो होता है, और एक पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल वगैरह लगाएंगे तो और एक टर्म आएगा, तो ये सबको मिला करके उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ते जाता है वैसे वैसे क्या होता है ना कि वो जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाते हैं। इसी की वजह से एन बाई पी रेशियो 20 के नीचे में तो 1 होता है जब तक एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन उसके बाद जो होता है 1 से बढ़ते जाता है, 1 से 1.5 तक थोड़ा स्टेबल मिलेगा, और 1.6 से ज्यादा तो होता ही नहीं है, ये सब हम लोग देखें, ठीक है। तो अब जाकर के हमें क्लियर हो जाता है कि अच्छा अगर न्यूक्लियर अनस्टेबल है तो वो क्या होगा, वो डिके होगा, वो N2P में, P2N में या बड़े से छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर डिके। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है कि न्यूक्लियर डिके क्या होता है। इसको डिके क्यों बोलते हैं, डिके इसलिए बोलते हैं कि डिके का मतलब होता है कि कम होना। तो जो भी न्यूक्लियस होता है वो धीरे धीरे, क्योंकि अपना उसका जो क्वांटिटी है वो बदल जाता है। अगर भाई प्रोटॉन आपने बदल दिया तो एलिमेंट ही बदल गया ना, तो एलिमेंट जब बदल जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन को बदल देना, स्पेशली प्रोटॉन बदलेगा तो एलिमेंट बदल जाता है, तो इसका मतलब कि जो ओरिजिनली था वो कुछ और बन गया है, तो डिके हो गया ओरिजिनल चीज का, इसलिए उसको हम लोग डिके बोलते हैं। तीन टाइप के डिके के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। तो बिना देर किए हुए हम लोग ये तीनों डिके के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले अल्फा डिके से, कि अल्फा डिके क्या होता है, ठीक है, अल्फा डिके क्या होता है। तो कुछ जो होता है, सम ऑफ द अनस्टेबल हेवी न्यूक्लियाई एमिट अल्फा पार्टिकल फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस। तो मैं कहना चाहता हूं व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस। अब हीलियम न्यूक्लियस का क्या मतलब हो गया, हीलियम का मतलब हो गया हीलियम में 4 मास नंबर और 2 एटॉमिक नंबर होता है, तो हीलियम जो एटम है उसके अंदर में तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका है, इसलिए 2 प्लस चार्ज होगा, ये हो गया हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। तो मान लेते हैं स्कीमेटिकली अगर हमें दिखाना हो कि एक्स अगर कोई मान लेते हैं एलिमेंट से जो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, कोई एलिमेंट से, तो एक्स अगर अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है और मान लेते हैं उसका जो है एटॉमिक नंबर ए है, सॉरी मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर जेड है, और ये जो है अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, तो अनस्टेबल, इसका मतलब अनस्टेबल न्यूक्लियर है। तो जब अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो वो तो कुछ और एलिमेंट बन जाएगा, क्यों कुछ और एलिमेंट बन जाएगा सोचिए, इसलिए इसको डिफरेंट नंबर वाई देते हैं, वाई नाम क्यों दिए, क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट बन जाएगा। और ये हीलियम न्यूक्लियस एमिट करेगा, मतलब कि 4 और 2 और यहाँ प्लस प्लस चार्ज है, हीलियम न्यूक्लियस एमिट कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल जब ये अगर बैलेंस की बात करते हैं तो जेड में से 2 अल्फा पार्टिकल में चला गया, ए में से 4 अल्फा पार्टिकल में चला गया, तो वाई जो बच गया उसके पास कितने बच गए, यहाँ पर जेड, जेड माइनस 2 हो गया, ठीक है, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की बात करें तो ए माइनस 4 हो गया। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आप जब इन दोनों को जोड़िए, जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो देखिए यही वाला आ जा रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो जा रहा है यहाँ पे कि अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या हो गया, हीलियम न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियर फेनोमेनॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन लेवल में नहीं जा रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर में क्या चेंज आ रहा है वो बैलेंस है कि नहीं है। प्लस इसके साथ एक और एक्स्ट्रा चीज होता है, वो क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम लोग क्यू वैल्यू या डिसइंटीग्रेशन वैल्यू भी कहते हैं, क्लियर है, दिस इज कॉल्ड क्यू वैल्यू और डिसइंटीग्रेशन वैल्यू। अब ये जो है इसमें अगर स्कीमेटिकली थोड़ा सा और ढंग से दिखाया जाए तो कैसा है ये देखिए, इसको देखिए, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा दिखाया गया है, जैसे ये एक बड़ा सा न्यूक्लियस है एक्स,
ठीक है, ये एक्स न्यूक्लियस है, ये वाई न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल है छोटा सा जो दिखा रहे हैं। तो अल्फा एक्स ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है इससे निकल जा रहा है एक दूसरा, ये स्टेबल या ये भी अनस्टेबल होगा तो आगे और डिके करेगा, लेकिन फिलहाल मान लेते हैं कि ये स्टेबल है वाई। तो एक्स जो है वो वाई में और अल्फा पार्टिकल में टूट गया है, बन गया दो भाग में, प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यहां पे निकलेगा। क्लियर है? तो ये जो मेन न्यूक्लियस है इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, जिससे जो डिके हो रहा है पेरेंट न्यूक्लियस। क्लियर है? और ये अल्फा पार्टिकल है और इसको कहा जाता है डॉटर न्यूक्लियस। क्लियर है? तो पेरेंट न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल, डॉटर न्यूक्लियस, ये टूटने के बाद प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी बनता है जिसको हम लोगों ने क्यू वैल्यू नाम दिया है। ठीक है, अब हम लोगों ने डिके क्यों बोला है ये समझिए, क्योंकि जो पेरेंट न्यूक्लियस है जो डिके हो रहा है उसका अमाउंट धीरे धीरे घटते जाएगा, एक्स घटते जाएगा वाई का अमाउंट बढ़ते जाएगा अगर वाई स्टेबल है तब, अगर वाई भी डिके हो रहा है तो फिर इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और होता है, जरूरी नहीं है कि एक अनस्टेबल दूसरे में डिके हुआ है तो वो स्टेबल ही होगा, हो सकता है वो और नीचे सीढ़ी में जाना चाहे स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब इसका अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल है यूरेनियम 238 का। यूरेनियम मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर 92 हो गया और मास नंबर 238 हो गया। तो यूरेनियम 230 जो है वो थोरियम में डिके होता है, थोरियम का कितना होगा 90, क्योंकि अल्फा पार्टिकल डिके होना है और ये 234 हो जाएगा प्लस अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल को या तो आप अल्फा लिखिए या आप ये भी लिख सकते हैं या फिर अल्फा भी लिख सकते हैं, तो हम लोग हीलियम लिखते हैं। ठीक है, हीलियम का 24 ये लिख लेते हैं प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो एमिट होता है। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यूरेनियम थोरियम में प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस एनर्जी में एमिट होता है और जो एनर्जी का वैल्यू आएगा वो आपको पता है कि E इक्वल टू डेल्टा एम, जो कि मास डिफेक्ट सी स्क्वायर, ये डेल्टा एम सी स्क्वायर एनर्जी मास इक्विवेलेंस जो कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में देखे हैं। और ये देखा गया है कि इस पर्टिकुलर केस में कितना होता है, दिस इज इक्वल टू आता है लगभग 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, अगर एक न्यूक्लियस में इतना चेंज जा रहा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये काफी एनर्जी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी सैंपल आप लीजिएगा 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम, तो उसमें बिलियंस ऑफ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स और एटम्स होते हैं। ठीक है, इसलिए सोचिए कि इसमें अगर बिलियंस और मिलियन से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1-2 ग्राम में भी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पेरेंट न्यूक्लियस हो गया, कौन सा, ये आपका पेरेंट हो गया पेरेंट, और ये जो थोरियम हो गया वो डॉटर न्यूक्लियस हो गया। क्लियर है? दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी एमिट हुआ है वो कहां जाएगा, वो एनर्जी कहां जाएगा, वो एनर्जी अल्फा पार्टिकल में और डॉटर न्यूक्लियस में चला जाएगा। कैसे जाएगा कि जो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाना होगा, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो वो एनर्जी उसकी वेलोसिटी में चला जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है। और चूंकि अल्फा पार्टिकल लाइटर है डॉटर न्यूक्लियस के कंपेयर में, तो अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कहा जाता है कि अल्फा पार्टिकल शूट आउट ऑफ विथ वेरी हाई स्पीड एट द ऑर्डर ऑफ अल्फा पार्टिकल गॉट वेरी हाई स्पीड, अल्फा पार्टिकल हैज स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ये जो एनर्जी है आपका 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जाएगा कहां, ये आपके अल्फा पार्टिकल्स पे और जो डॉटर न्यूक्लियस है उनमें काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। अब जो लाइटर न्यूक्लियस है, जैसे अल्फा पार्टिकल लाइटर है कंपेयर टू थोरियम, तो अल्फा पार्टिकल का स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत बहुत ज्यादा, और इसकी स्पीड लगभग 10^6 मतलब कि 1,000,000 m/s स्पीड हो जाता है इसका। ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्पीड नियरली इक्वल टू ऑफ द ऑर्डर ऑफ लिखते हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^6 m/s, इतना ज्यादा होता है अल्फा पार्टिकल, इस स्पीड से निकलता है ये, समझ रहे हैं? तो ये हो गया। अब अल्फा डिके हो गया, अल्फा के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि ये हीलियम न्यूक्लियस होता है और हेवियर न्यूक्लियाई से डिके होता है, और इसलिए होता है क्योंकि हीलियम न्यूक्लियस खुद में स्टेबल होता है, और अगर थोरियम स्टेबल रहा तो आगे नहीं डिके होगा, अगर थोरियम स्टेबल नहीं रहा तो हो सकता है आगे भी डिके हो। ये जो 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन बोल लीजिए जो एनर्जी एमिट हुआ है, वो एनर्जी कहां जाता है, वो एनर्जी जो है अल्फा पार्टिकल के स्पीड को बढ़ाता है, इसलिए इतना ज्यादा स्पीड है, और थोरियम के स्पीड को भी बढ़ाता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल हल्का होने की वजह से इसकी स्पीड जो है इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अल्फा पार्टिकल, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल शूट्स आउट विथ वेरी हाई स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ
10^6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अल्फा डिके जो होता है ना, ऑलमोस्ट सारे न्यूक्लियस में होता है जो हेवियर न्यूक्लियस है, जिसका मतलब कि मास नंबर 210 से ज्यादा है। ये नॉर्मल ट्रेंड कह रहे हैं, क्योंकि अल्फा डिके ऑकर्स नॉर्मली इन ऑल न्यूक्लियाई विथ ए ग्रेटर देन 210। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि बीटा डिके क्या होता है, दूसरा टाइप का जो डिके है बीटा डिके। ठीक है, बीटा डिके कब होता है, क्यों होता है, ठीक है, और क्या होता है। तो बीटा में दो टाइप का डिके है, एक है आपका बीटा प्लस डिके और एक बीटा माइनस डिके। बीटा माइनस डिके पहले लिख रहा हूं और ये है बीटा प्लस डिके। ये दो डिके होता है, क्यों होता है पहले इसको समझिए, बीटा डिके क्यों होता है। इस कर्व को देखिए, ये जो हम लोगों ने स्टडी किया है इसमें, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हुआ तो प्रोटॉन बनता है, और अगर प्रोटॉन ज्यादा हुआ तो इस साइड से स्टेबिलिटी की तरफ जाता है और न्यूट्रॉन बनता है। तो ये न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनना और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनना, ये दोनों ही बीटा डिके हैं। एक केस को बोलते हैं बीटा माइनस डिके, जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता है, और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है तो वो बीटा प्लस डिके होता है। ठीक है, ठीक है, हम इसको देखते हैं कि क्या एक्चुअली में हो रहा है, बीटा माइनस डिके और बीटा प्लस डिके में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीटा माइनस डीके। क्या होता है बीटा माइनस डीके में, जो लेफ्ट साइड जो कर्व जो है उसके लेफ्ट स्टेबिलिटी के लेफ्ट में जो है, व्हेन एन बाय पी रेशियो इज हायर तो वन ऑफ द न्यूट्रॉन चेंजेस टू प्रोटॉन टू द लेफ्ट ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियाई इन द एन बाय पी कर्व। ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियाई, जिसमें कि न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से स्टेबिलिटी के कंपेयर में, एन बाय पी एन पी कर्व, न्यूट्रॉन चेंजेस टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा माइनस पार्टिकल। बीटा माइनस पार्टिकल क्या है, ये कुछ नहीं है बल्कि एक इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन जो वैलेंस सेल जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आउटर सेल्स में वो नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट हुआ है न्यूट्रॉन से। ठीक है, ये न्यूक्लियस से बना हुआ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको अलग नाम दे दिए हैं बीटा माइनस पार्टिकल। देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक एक्स अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिसमें थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, एन बाई पी रेशियो में न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन बदलना चाहता है। अगर ये ए है और ये जेड है और ये बीटा माइनस डीके अगर होना चाहता है तो जो एलिमेंट होगा दूसरा एलिमेंट वाई हो गया। क्यों एलिमेंट हुआ, क्योंकि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बनेगा तो मास नंबर तो सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, इसलिए ये जेड से जेड प्लस वन हो जाएगा और मास नंबर जितना था ए ए ही रहेगा। ठीक है, प्लस इसके साथ निकलता है, देखिए इसके अंदर में प्रोटॉन ऑलरेडी आ गया, ये जो न्यूट्रॉन था इसके अंदर से एक प्रोटॉन में बदल गया, इसलिए एटॉमिक नंबर बढ़ गया लेकिन न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम सेम रहा, जिसकी वजह से ये नहीं बदला। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसी को हम लोग बीटा पार्टिकल बोले हैं, और प्लस एक एंटी न्यूट्रोनो निकलता है, यह है एंटी न्यूट्रोनो। एंटी न्यूट्रोनो है इसका मास ना है या ना के बराबर है, बिल्कुल जीरो ऑलमोस्ट। ठीक है, बहुत सारा जो है मिस्ट्री ही कह लीजिए इसको, नया नया ये सब कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग अगर केवल बीटा डीके को न्यूट्रॉन में अगर दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है और जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, और ये जब कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एक प्रोटॉन में और प्लस एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, इसलिए प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस और प्लस जो मैंने कहा एंटी न्यूट्रिनो, ये होता है आपका क्या, बीटा पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो, ये आपका बीटा डीके। ठीक है, क्या हुआ बीटा डीके में, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में बदल गया, कहीं कोई कंफ्यूजन यहां नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं बीटा डीके का, बीटा डीके का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि होता क्या है कि फॉस्फोरस पी है, ये किस में बदल जाता है, फॉस्फोरस पी का कितना होता है एटॉमिक नंबर 15 और मास नंबर 32। ठीक है, P32 ये बदल जाता है किस में, सल्फर में, जिसका 15 के जगह कितना हो जाएगा 16 एटॉमिक नंबर, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया और ये 32 है तो 32 ही रहा। प्लस क्या निकलना चाहिए, बीटा पार्टिकल, और प्लस क्या निकलना चाहिए, एंटी न्यूट्रिनो। क्लियर है, ये एक एग्जाम्पल हो गया
बीटा डीके का होता है। ये हो गया बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बीटा माइनस डीके कब होता है, जब एन बाई पी रेशियो हम लोग देखते हैं वो स्टेबिलिटी से ज्यादा है, जितना स्टेबिलिटी के लिए चाहिए उससे ज्यादा, मतलब न्यूट्रॉन ज्यादा है तो वो प्रोटॉन बनेगा और बीटा पार्टिकल एमिट करेगा, बीटा माइनस। दूसरा हम लोग बात करते हैं बीटा प्लस डीके, जिसको हम लोग पॉजिट्रॉन डीके भी कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में बनेगा प्लस पॉजिट्रॉन बनाएगा, ये प्रोटॉन है। और ये क्यों होता है वही बता दिए, राइट ऑफ, राइट मतलब नीचे की तरफ, दाहिने तरफ स्टेबिलिटी वाला जो लाइन है एन बाई पी कर्व में, जो दाहिने तरफ से है उसमें प्रोटॉन ज्यादा है तो वो न्यूट्रॉन बनना चाहता है। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं टू दी राइट ऑफ स्टेबल जोन एन बाई पी रेशियो इज लेस देन द रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। तो इसमें क्या होगा, कम है मतलब प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बनेगा, ठीक है, प्रोटॉन चेंजेस टू न्यूट्रॉन, क्लियर है। तो ये इसमें कैसा होता है कि जैसे एक प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में बदल जाएगा प्लस एक पॉजिट्रॉन देगा, चार्ज बैलेंस कर हो रहा है इसमें देखिए, प्लस न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो था वहां पर, ये न्यूट्रिनो है, ठीक है, वो एंटी न्यूट्रिनो था और ये न्यूट्रिनो है। एंटी न्यूट्रिनो में हम लोग ऊपर में बार साइन दिए थे, क्लियर है, न्यू सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हो गया बीटा प्लस डीके, या इसको बोलेंगे पॉजिट्रॉन डीके, क्लियर हो गया। इसका भी एक एग्जांपल हम लोग लेके देख सकते हैं, और एक अगर न्यूक्लियस में दिखाएं हम लोग, जैसे मान लीजिए एक्स एक एलिमेंट है और जेड और ए इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर है, और ये अगर डीके होता है बीटा प्लस, तो बीटा प्लस डीके होगा तो जो वाई जो एलिमेंट बनेगा उसमें यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा कि नहीं आएगा बताइए, तो क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में बदला है तो एक घट जाना चाहिए जेड माइनस वन और ये सेम रहना चाहिए, और प्लस यहाँ पे हो जाना चाहिए बीटा प्लस प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया आपके लिए, फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट है। तो और एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं, क्या देखें इसका एग्जांपल मान लेते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, एक एग्जांपल याद रखना चाहिए, सोडियम है 11 होता है सोडियम का और 22 मास नंबर, और ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है तो ये बीटा प्लस डीके करेगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला है तो 10 हो जाएगा, तो 10 नियोन का होता है तो नियोन 10 और 22 का 22 रहेगा, प्लस पॉजिट्रॉन डीके दिखा दीजिए प्लस न्यूट्रिनो दिखा दीजिए, ठीक है, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और बीटा पार्टिकल का प्रॉपर्टीज हमें पता है, फिर तीनों प्रॉपर्टीज को एक साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं गामा डीके का, गामा डीके क्या होता है, गामा डीके, अच्छा अल्फा डीके बीटा डीके में हम लोगों ने देखा कि एक पार्टिकल निकल रहा है, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, देर इज नो गामा पार्टिकल, याद रखिए देर इज नो गामा पार्टिकल, ऐसा कुछ नहीं होता है, इनफैक्ट इसको डीके कहना ही गलत है, गामा डीके नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गामा डीके का मतलब होता है कि कोई चीज घट रहा है, जैसे उन दोनों केसेस में अल्फा और बीटा पार्टिकल जब डीके हो रहा था तो जो पेरेंट न्यूक्लियस है, जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है उसका कॉन्सेंट्रेशन घटता है, वो डीके होकर कुछ और बन जाता है डॉटर न्यूक्लियस में, है ना, पेरेंट न्यूक्लियस घटते जाता है और वो कुछ और बनते जाता है, तो जो पेरेंट न्यूक्लियस घट रहा है डीके हो रहा है, घटना मतलब डीके होना, तो उसलिए हम लोग उसे डीके कह सकते हैं। लेकिन गामा में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना तो कोई पार्टिकल निकलता है और ना ही जो पेरेंट न्यूक्लियस जिससे ये डीके हो रहा है उसका अमाउंट घटता है, उसका क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी नहीं घटता है। फिर क्या है ये गामा डीके, सुनिए पहले समझिए चीज को, जब भी अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल डीके होता है अनस्टेबल न्यूक्लियस में, ध्यान से समझिए, अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल दोनों में से कोई भी जब डीके होता है तो क्योंकि न्यूक्लियस बिल्कुल ही अनस्टेबल रहता है उस समय डीके होता है, और बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकलता है, जैसा कि हमने कहा है कि वो एनर्जी इनके काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है, डॉटर न्यूक्लियस जो है उसके काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है, तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस जो होता है ना इन डीके के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में होता है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, एनर्जी लेवल अगर क्वांटम नंबर्स को देखिए, प्रिंसिपल एजिमुथल जो भी क्वांटम नंबर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ध्यान दीजिए कि वो जिस तरह से हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन में एनर्जी लेवल्स होते हैं उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी सारे एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, और जो जब डीके होता है अल्फा या बीटा डीके तो इसका एनर्जी जो होता है न्यूक्लियस का न्यूक्लियॉन्स का एनर्जी बहुत हाई होता है, तो न्यूक्लियॉन्स का एनर्जी हाई होता है तो क्या होता है कि डीके के बाद वो स्टेबल न्यूक्लियस तो बन गया है लेकिन वो तब जाकर के स्टेबल होगा जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में है तो ग्राउंड स्टेट में आता है न्यूक्लियॉन्स, और ग्राउंड स्टेट में आने पर जब एनर्जी
रिलीज करता है तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी होता है, और वो गामा रेडिएशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फॉल करता है, इसलिए वो गामा रे रिलीज करता है। समझ रहे हैं? न्यूक्लियस जब हाईएस्ट एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आता है, हाई एनर्जी स्टेट में गया क्यों? डीके की वजह से, चाहे वो अल्फा डीके हो या बीटा डीके हो। गामा रेडिएशन, गामा डीके कभी भी खुद में नहीं होगा अकेले, जब भी होगा तो अल्फा डीके या बीटा डीके के बाद होगा, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और डीके का कारण है एक्साइटेड स्टेट में जाना, और एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस तभी जाता है जब रेडियो एक्टिविटी कुछ फेनोमेनन हो रहा है। क्लियर है? तो इन गामा डीके मैंने इसलिए लिखा है, देयर इज नो गामा पार्टिकल, गामा पार्टिकल कुछ नहीं होता है। गामा क्या है कि गामा एक रेडिएशन है, एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। गामा रेडिएशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW लिख देते हैं शॉर्ट में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विद हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी होता है इसका। तो ये क्लियर हो गया कि गामा डीके क्या होता है, अल्फा डीके बीटा डीके के बाद गामा डीके होता है, चाहे अल्फा डीके हो या बीटा डीके हो तो फिर गामा डीके होगा। और गामा डीके का मतलब एनर्जी का जो फोटोन, जो एनर्जी निकलता है जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियस आता है तो एनर्जी निकलता है, वो एनर्जी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का होता है। क्लियर हो गया? और वो गामा डीके होता है। एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो कोबाल्ट ले लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कोबाल्ट होता है जिसका कितना होता है, 27 है एटॉमिक नंबर और 60 जो है वो है मास नंबर। और ये पहले तो बीटा डीके करता है, ये बीटा डीके किया, बीटा माइनस डीके किया, ठीक है? बीटा माइनस डीके करके कोबाल्ट 27 था तो 28 हो जाएगा, 28 किसका होता है, निकेल का होता है, 28 निकेल, 60 का 60 रहेगा, बीटा माइनस डीके किया ये, ठीक है? अब ये बीटा माइनस डीके में एंटी न्यूट्रोनों को नहीं दिखाए हैं, बस दिखा रहे हैं केवल स्कीमेटिकली कि ये कोबाल्ट निकेल में बदल गया। लेकिन निकेल का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत हाई रहता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने इस एनर्जी लेवल से स्टेप वाइज आता है दूसरे एनर्जी लेवल में, ठीक है? ये दूसरा एनर्जी लेवल है और फिर स्टेप वाइज आता है तीसरे एनर्जी लेवल में। मान लीजिए ये एक्साइटेड, एक ही बार में जरूरी नहीं है कि आ जाएगा, ये हाई एनर्जी लेवल है, तो एक एनर्जी लेवल में पहले क्या हुआ कि यहां से यहां आया, फिर दूसरे बार में यहां से यहां आया, एक बार में अगर यहां से यहां आता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो भी, ठीक है? तो देखा गया है क्या कि इसमें दो टाइप के जो गामा रेडिएशन निकलते हैं, एक गामा रेडिएशन होता है जो इस एनर्जी लेवल की वजह से होता है, एक गामा रेडिएशन इस एनर्जी लेवल की वजह से होता है। यहां पर डिफरेंस जो एनर्जी है वो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है और यहां पर जो आया गया है वो 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है एनर्जी, दो फोटोन निकलता है, ठीक है? एच न्यू की बात करने कर। सो गामा डीके क्या होता है, एक्चुअली गामा रेडिएशन है। गामा डीके इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स का कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है? बीटा डीके की वजह से एलिमेंट चेंज हुआ, लेकिन गामा डीके की वजह से अगर हम बात करें तो यहां निकेल है, यहां भी निकेल है और यहां भी निकेल है। तो रेडिएशन जब हो रहा है तो निकेल का निकेल ही रहता है, निकेल का कंसंट्रेशन नहीं चेंज हो रहा है। तो लिख लेते हैं, इन गामा डीके एलिमेंट रिमेन्स सेम, ओनली एनी एनर्जी चेंजेस, एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस चेंजेस। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? इसके बाद हम लोग ना कंपेयर करते हैं कि ये जो अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके है उनके प्रॉपर्टीज का एक कंपैरिजन चार्ट बनाते हैं, ठीक है? यहाँ अल्फा डीके, यहाँ बीटा डीके और यहाँ गामा डीके हम लोग लिखते हैं। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया, ठीक है? सबसे पहला अगर हम अल्फा को देखें तो ये क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस है ना, अल्फा के बारे में बात करते हैं तो ये हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम प्लस प्लस इसको लिख देते हैं, 2-4 लिख सकते हैं, ये हीलियम न्यूक्लियस है। बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा में बीटा प्लस बीटा माइनस दोनों होता है, ये बीटा प्लस भी हो सकता है या बीटा माइनस हो सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसका मतलब कितना हो गया, इस -1 का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, ठीक है? और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये पार्टिकल नहीं है। इसमें +2 का चार्ज होता है, चार्ज की बात करें तो +2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, +2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसमें कितना का चार्ज होगा, +1 और -1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है? और इसमें नो चार्ज, गामा में तो कोई चार्ज नहीं होता है। अब चार्ज है तो चार्ज की वजह से क्या होगा, इसमें आयोनाइजिंग पावर रहेगा, मतलब अगर किसी गैस से होकर के अल्फा रे गुजर रहा हो तो हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसमें, तो गैस से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जो भी गैस होगा, जो भी मान लीजिए ऑक्सीजन है या कोई भी गैस है, तो उस गैस से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर के ये हीलियम एटम बन जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो गैस को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, है कि नहीं?
तो इसलिए लिखेंगे कि इट आयोनाइजेस गैस, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज करेगा। किसी भी गैस से पास होगा तो गैस को आयोनाइज कर देगा, पॉजिटिवली आयोनाइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन गैस से खींच लेगा तो गैस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों कर सकता है, डिपेंड करता है बीटा प्लस डीके हो रहा है कि बीटा माइनस डीके हो रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो आयोनाइजेस, इट हैज वेरी लिटिल आयोनाइजेशन पावर। और आयोनाइजेशन पावर की बात करें तो अल्फा पार्टिकल का आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये प्लस टू चार्ज है एक एक न्यूक्लियस पर, तो इट स्ट्रॉन्गली आयोनाइजेस गैस कंपेयर टू बीटा। और बीटा में क्या होगा, आयोनाइजिंग पावर अल्फा से कम हो जाएगा। ऑलमोस्ट सेम स्पीड ऑफ ऑल अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम ए सिंगल न्यूक्लियस, सेम स्पीड होता है ऑलमोस्ट अल्फा पार्टिकल का। इसमें हम लोग देखते हैं क्योंकि वेरिएबल स्पीड होता है बीटा पार्टिकल का, इसीलिए न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट आया है। किसी बीटा पार्टिकल का स्पीड बहुत कम होगा तो किसी का बहुत ज्यादा होगा, ये होता है, ठीक है। बीटा पार्टिकल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेटिंग पावर की बात करेंगे तो किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, अल्फा या बीटा की। इसकी स्पीड जो होती है अल्फा पार्टिकल वो 10^6 मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है लगभग, ठीक है। और इसमें तो वेरिएबल स्पीड होता है बीटा पार्टिकल में, क्लियर है। पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें तो बीटा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होता है, और गामा का क्या होता है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। और इसी वजह से गामा रेडिएशन जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये आपको ना दिखाई देता है ना कुछ समझ में आता है, लेकिन आपके सेल्स को अगर बॉडी के आसपास गामा रेडिएशन हो रहा है तो वो सेल्स को क्या करेगा, छेद देगा, उसको बिल्कुल खत्म कर देगा, डेड सेल बना देगा, उसके एक्टिविटी को डैमेज कर देगा, क्योंकि इसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, क्लियर हो गया। तो अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम समझते हैं कि क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट को, इसके एनालिटिकल एस्पेक्ट को पढ़ेंगे, सीखेंगे, और उसके बाद उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कुछ एग्जांपल्स करेंगे।